ये कहना चाहेंगे ना कि जो 2013 और 2016 में जो पास किए हैं वो सरकार के, या शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी मंत्री हो, ऐसे लगता है जैसे उनके दामाद बाबू लोग हैं। और उसके बाद जो पास किए हैं हम लोग, तो कोई जान पहचान ही नहीं, हम लोग झारखंड के है ही नहीं। तो अगर 2016 के बाद वालों को जॉब देना ही नहीं था तो फिर उनको पढ़ने भी नहीं देना चाहिए था। जितना भी कॉलेज है, आप सिर्फ पैसा कमाइएगा, बीएड और डीएलएड कराइएगा, लाखों कमाइएगा, और जब जॉब देने की बारी हो तो क्या बोलिएगा, 2013 और 2016 वाला भूखा है पहले उन लोग को देंगे, और अभी जो हम लोग पास किए हैं उसके बाद अभी हम लोग जॉब के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको बोलिएगा आप इंतज़ार कीजिए, जब उन लोग कब्र में चला जाएगा तो फिर आप लोग को देंगे हम लोग जॉब। आज हमारी जो है 3 दिवसीय बैठक की जो है समापन की ओर हम लोग आ चुके हैं, और 26 तारीख से लगातार हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे थे, और जितने भी सीटेट अभ्यर्थी है यहाँ पर राज्य पे, वहाँ हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि 2016 के बाद जो जेड की परीक्षा नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में सरकार अगर जेड परीक्षा बहाली से पहले नहीं करवा पा रही है, तो ऐसे केसेस में जो हम लोग जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको भी इस बहाली में मौका मिलना चाहिए, जिसको लेकर के हम लोग लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, और सरकार अगर इस पर पहल नहीं करेगी तो हम लोग फिर जो है जितने भी बच्चे, लगभग 300 बच्चे पहले आए थे पहला दिन 26 तारीख को, लगभग जो है 150 लगभग जो है दूसरा दिन आए थे, और आज लगभग 50-60 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी जो है रिट पिटीशन दायर करेंगे, और 500 से ज्यादा बच्चे न्यायालय की शरण में जा करके ऐसी बहाली को हम लोग फिर रद्द करवाने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।